प्लस थ्री एडमिशन संपर्क में कौच पिला माने प्लस थ्री एडमिशन रे बहुत पिला दुख करती कांदती जे मो से कॉलेज रे हेला ना सेकेंड कॉलेज रे हेगला जोटा ऑप्शन दे थी फास्ट कॉलेज रे सेटा हेला ना सेकेंड कॉलेज रे हेगला कि थर्ड कॉलेज रे हेगला पिला माने दुख करंतुनि गोटे ऑप्शन अछि जो ऑप्शन को क्लिक कला माने तमरो फास्ट कॉलेज रे होबार संभावना अछि एवं भलो कॉलेज रे पढिबार संभावना अछि हायर कॉलेज रे पढिबार संभावना अछि सेटा होछि पिला माने स्लाइड अप स्लाइड अप पिला माने स्लाइड अप कंडीशन स्लाइड अप तो स्लाइड अप टा को बुझी गेले माने निहाती भलो कॉलेज रे पढ़ी पारिबो जोथि एडमिशन हो किंतु आउ ऊपर लेवल रो हायर कॉलेज रे तमे पढ़ी पारिबो ठीक अछि स्लाइड अप को बुझो पिला माने तनु कोनोसी ऑटो स्लाइड अप होबनी नंबर 1 होछि कोनोसी ऑटो स्लाइड अप होबनी जे एडमिशन कर देलो तापर ऑटोमेटिकली स्लाइड अप हेजिवो नाही ऑटोमेटिकली स्लाइड अप स्लाइड अप माने कोन पिला माने गोटे कॉलेज रे एडमिशन नेलो सपोज तुम्हें फर्स्ट कॉलेज तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज रे पके छ सेकंड कॉलेज गोटे आउट के तळ कॉलेज रे पके छ थर्ड कॉलेज रे आउट के तळ कॉलेज रे पके छ तुम थर्ड कॉलेज रे हि जाई छी त तुम्हें दुख करछ जे फर्स्ट कॉलेज रे हितांता कि सेकंड कॉलेज रे हितांता कि तुम्हें चिंता करबोनी कोन करबो स्लाइड अप कर देले स्लाइड अप बटन को क्लिक कर देले तुमको कोन हो ना सेकंड सिलेक्शन रे निहाती जदि फर्स्ट कॉलेज हि जीवो कि सेकंड कॉलेज हि जीवो तुमरो एडमिशन हि जीवो त पिला माने स्लाइड अप ऑटोमेटिक हो हुए नाही तुमको क्लिक करिया पड़े तेणु एडमिशन परे देख आफ्टर टेकिंग एडमिशन एडमिशन नेला परे गोटे पर्टिकुलर कॉलेज रे एडमिशन नेला परे मेरिट लिस्ट बाहला परे गोटे कॉलेज रे एडमिशन नहीं गल तुम भावनी जे आउ गोटे कॉलेज रे हबनी बोली ठीक अच्छे तेणु तुम्हें कौन करिबो नहीं सारा परे तुमको तुम निजर कनसेंट देवाक पड़ो निजर अनुग्रह निजर आग्रह देवाक पड़ो से क्लिक करा पड़ो स्लाइड अप क्लिक कला ऑनलाइन मोड रे क्लिक कला पड़ो तुमको कहीदेवि केमी 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 स्लाइड अप क्लिक कर ठीक अच्छे तेणु सपोज फर्स्ट राउंड सिलेक्शन हो गला तेणु फर्स्ट राउंड सिलेक्शन हो गला एडमिशन परे तुमको स्लाइड अप ऑप्शन फॉर्म जोटा कि माने ऑनलाइन तुमको भरिया पड़ो ऑनलाइन गोटे खाली क्लिक करा पड़ो ठीक अच्छे तो केमी केमी कर तेणु साम्स अकाउंट को ये करके तुमको करा पड़ो तुमको कहीदेवि हाउ टू स्टेप बाय स्टेप कमी स्लाइड कर देख पे ये प्रथम हूँ साम्स वेबसाइट जोटा कि साम्स वेबसाइट जो लॉगिन करके तुम अप्लाई करुच से साम्स वेबसाइट रे तुम एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन को जीव स्टूडेंट लॉगिन को गलापर तुम यहाँ कौन ना गोटे कॉलेज एडमिशन नेलापर मन रख तेणु यूजर नेम मोबाइल नंबर तुम तो मोबाइल नंबर आउ पासवर्ड मन रखी निहाती बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मोबाइल नंबर पासवर्ड रे से साम्स वेबसाइट खोलिबो खोलला पर लेफ्ट साइड मेनू रे लेफ्ट साइड माने बा कोड रे स्लाइड स्लाइड अप ऑप्शन अछि गोटे लिंक अछि स्लाइड ऑप्शन रो लिंक अछि और साम्स ई स्पेस ऑफ द स्टूडेंट से जे लिंक अछि से लिंक को क्लिक करिवो क्लिक कला पर से क्लिक कला पर से स्लाइड अप ऑप्शन फॉर्म आरंभ हे जीवो से स्लाइड अप ऑप्शन फॉर्म टा भरिवो और स्लाइड अप प्रोसेस तार चलो एवं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस स्लाइड अप ऑन हो ठीक अच्छे तेणु यही भाव में आसो फर्स्ट कन्फर्मेसन आसो तुमको येस करा पड़ो सेकेंड कन्फर्मेसन आसो येस करा पड़ो पुणी थर्ड कन्फर्मेसन आसो येस करा पड़ो कहीं आसो मुझे कहीदे कहीं एत कन्फर्मेसन कहीं ठीक अच्छे तेणु तुमको मेसेज द्वारा तुमको SMS द्वारा इमेल आई डी जो देख इमेल आई डी द्वारा तुमको जनई दिजो तेणु से जो लास्ट थर्ड कन्फर्मेसन तुमको 10 मिनिट भितर तुमको देवाक पड़ो ओटीपीटा ओटीपी कले कन्फर्म हो ठीक अच्छे सबमिट कले कन्फर्म हो स्लाइड अप कहीं एत कन्फर्मेसन हो नोट कर पे बहुत इंपोर्टाट कथा जे इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फर हायर चॉइस जदि हायर कॉलेज तुम्हें सिलेक्ट हो जाइए स्लाइड अप कर दीच सिलेक्शन हायर कॉलेज सिलेक्ट हो जाइए तुमको से हायर कॉलेज एडमिशन नाक बाध्य एडमिशन नाक बाध्य आउ तुम से जो लोअर कॉलेज एडमिशन हो पढ़ी पार ना तेणु देन ही और सी विल नॉट बी अलाउड टू रिमेन इन द लोअर चॉइस कॉलेज तेणु जदि मैंने 1, 2, 3 कॉलेज अच्छी पिला माने तो 3 कॉलेज रे तुम जो है तेणु तुम्हें स्लाइड अप सिलेक्शन करदी स्लाइड अप मैंने ऊपरक जीवो जदि फास्ट कॉलेज रे हेगला तो फास्ट कॉलेज रे एडमिशन नबा को बाध्य फर्स्ट कॉलेज रे तुमको एडमिशन नबा को बाध्य ठीक अच्छे किंबा सेकेंड कॉलेज रे हेगला स्लाइड अप मैंने जम्प कर ऊपर को जम्प कर तेणु जोठी आइब से एडमिशन नबा को तुमको बाध्य से बारंबार कन्फर्मेसन से मगुच ठीक अच्छे से सिचुएसन
ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କଲେଜରେ ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯେତେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେତେ ବି ଅଧିକ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବ, ରିଫଣ୍ଡ ମାନେ ଫେରି ପାଇବ ପଇସା, ତୁମର ପାସ୍ବୁକ୍କୁ ଫେରି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଧିକ ଜମା କରିବ, ଆଉ ସିଏଲ୍ସି ଯେଉଁ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ସିଏଲ୍ସି ବା କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାମ୍ସରୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ କ'ଣ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେୟାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ତୁମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ସରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବି ରିଫଣ୍ଡ ଆସିବ, ଯେତେ ବି ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ସବୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜମା ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନିହାତି। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କରିଦେବେ, ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍ତର ଜଣାଇ।